मैं डॉक्टर पीके गुप्ता हूं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट 2017 एज वेल एज मेंबर यूपी मेडिकल काउंसिल। मैं 1981 में केजीएमसी में आया। अब सोचिए सर, उसमें प्रोफेसर थे और मैं उनसे तब से मैं जान रहा हूं। और जब मेरी पोस्टिंग हुई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में, तो इनसे मिलके इनके जो तरीके थे पढ़ाने के, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ। और सिंपल और हम्बल, चूँकि मैं गोरखपुर का हूँ और सर बस्ती के थे, तो पूर्वांचल मीट हुआ करते थे उस ज़माने में, अब तो फिलहाल नहीं होता है। तो उस समय से मैं सर को जानता हूँ और सर का जो एक रोल मॉडल हम लोगों के लिए है कि स्क्रैच टू स्काई का जो इनकी जो जर्नी है, उससे हम लोग बड़े प्रभावित हैं। और सर को मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनते हुए देखा। मैंने इनके पच्चीनों पर चलते हुए मैंने भी कहा कि हम भी कुछ काम करेंगे समाज के लिए एज वेल एज मेडिकल प्रोफेशन के लिए। तो मैं भी इनके फॉलोअप में IMA का प्रेसिडेंट बना और मैं PGI से चला आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि परसों तक मैं बिल्कुल फिजिकली फिट नहीं हूँ। लेकिन सर का मैसेज गया तो लगा कि नहीं, ये वाइब्रेशन और सुनने का जो एक मौका मिलेगा वो लाइफ टाइम होगा। क्योंकि सोचे कि 80+, अब इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि 80+ में ये एनर्जी लेवल इनका फेसबुक पे एज वेल एज यूट्यूब पे जब मैं देखता हूँ, तो लगता है कि हम लोग भी कैसे अपने आप को फिट रखें फिजिकली एंड मेंटली, तो सबके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो रामदेव जी यहाँ लखनऊ में आते थे तो इनका पैर छूते हुए मैं देखा उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो कुछ नहीं थे, क्योंकि उस समय सर छोटी थे पल्मोनरी मेडिसिन के, तो डिस्पेटरी से जुड़ा हुआ योगा था। तो अक्सर व्याख्यान देते थे सर, और सर को यूज़ किया जाता था कि भाई आप बताइए साइंटिफिकली कि योगा का महत्व क्या है। तो सर ने योगा के बारे में बताया, उसको डिस्पेटरी मेडिसिन से जोड़ा, और आज देखिए योगा जो है घर घर जाना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और चूंकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ नियर एस जी PGI, मैं पिछले 30 सालों से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हमारा एक्सरे भी होता है। तो सर के जो शुरुआती दौर के जो पढ़ाए हुए हमारे जो नॉलेज थी, उसे मैं हमेशा अपने आप को कोरिलेट करता रहा। और इस किताब को स्पेशली मैंने कहा मैं खरीदूँगा चल के वहीं पर, वैसे मुझे पता तो पहले से था, लेकिन आज हमने कहा मौका है और सर के बारे में लगातार हम सुन रहे हैं सवेरे से। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर कि आपने याद किया। एक्चुअली हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IMA, उसमें सर का मैसेज गया, तो हमने कहा भैया पास तो कभी नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि जब सर आज भी काम कर रहे हैं तो हम लोग भी काम करेंगे, इसलिए वर्तमान में रहना बड़ा जरूरी होता है। और जब वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। तो बहुत बहुत बधाई सर, और आप ऐसे ही हम लोगों को इंस्पायर करते रहिए और हम लोग ऐसे ही आपको देख के आगे बढ़ते रहे।